लेंस लॉ, लेंस एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि फेराडेज लॉ में माइनस साइन क्या करता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फेराडे ने दो लाइन में समझाने की कोशिश की कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है, लेकिन लेंस लॉ ने इसको बहुत सही तरीके से समझाया। अब लेंस लॉ क्या कहता है? देखो, लेंस लॉ समझने के लिए लेंस लॉ आपको ये बताएगा कि अगर आपके पास कोई भी एक लूप है और आपने इसका फ्लक्स चेंज कर दिया, चाहे बढ़ाया चाहे कम किया, कुछ भी चेंज किया, इसमें करंट पैदा होगा, होगा या नहीं होगा फेराडे का फर्स्ट लॉ बताता है, कितना पैदा होगा फेराडे का सेकंड लॉ बताता है, किस डायरेक्शन में पैदा होगा लेंस लॉ बताता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, होगा या नहीं होगा फेराडे का फर्स्ट लॉ, कितना करंट पैदा होगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर फेराडे का सेकंड लॉ, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी लेंस लॉ। हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ ईएमएफ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन पहले पढ़ेंगे कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अगर आपने ये नहीं समझा आपको ये ईएमआई का चैप्टर रास नहीं आएगा, ये खराब हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि रोज इसी को यूज़ करना है मुझे। तो ध्यान से समझना, लेंस लॉ ये कहता है कि अगर आप इस क्वाइल के अंदर बी इंक्रीज करते हो, एक्सटर्नल बी, बाहर से बी इस रूम में बढ़ाते हो और एक्सिस की तरफ ऐसे, ठीक, तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर तुम इसका बी बढ़ाते हो, क्योंकि बी बढ़ेगा तो फिर फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो इसका फ्लक्स जब बढ़ेगा तो इसमें करंट पैदा होगा। वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये मैं बताने जा रहा हूं। रूल समझो क्या है, नेचर का रूल है, जब भी आप किसी भी चीज़ का इनर्शिया खराब करते हो, देखो वो आपको अपोज करेगा। अगर मैंने एक बेंच को भी हिलाना है यहाँ से यहाँ, तो न्यूटन का लॉ कहता है ये अपने आप नहीं हिल सकता, इसका इनर्शिया है, रेस्ट का इनर्शिया, रेस्ट पे रहना चाहता है बाय नेचर, तुम्हें क्या लगानी पड़ती है, फोर्स, बिना फोर्स के हिलेगा नहीं। अब जब तुम फोर्स लगाते हो सरफेस में क्या होती है, फ्रिक्शन, जो तुम्हें अपोज भी करती है, राइट। उसी तरीके से हो क्या रहा था इसके अंदर, देखो फेराडे के लॉज के प्रूफ तो हम नहीं देखने वाले कि इसने कैसे किया, पर मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। इसके अंदर लाखों इलेक्ट्रॉन्स है जो एटम के अंदर घूम रहे हैं, जब तुम इसका बी चेंज करते हो वो बी का असर इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं कि वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब वो मूव करते हैं करंट पैदा कर देते हैं। ये लॉजिक है, पर चलो हम फेराडे के लॉज के डिटेल में तो जाएंगे नहीं, उसने कैसा किया, हम सिंपल सीखेंगे कि हुआ क्या। लेंस लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस तरफ बी को बढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट है, बी बढ़ाया, क्वाइल बाय नेचर नहीं चाहती कि इसका बी बढ़े, ये चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है, ये कहती है नहीं तुम अगर मेरा बी बढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे बढ़ा रहे हो, मैं बढ़ने नहीं दूंगी। तो क्वाइल कर भी क्या सकती थी, क्वाइल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस बी के चक्कर में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और करंट पैदा कर देंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब तुम इस तरफ बी बढ़ा रहे हो, इस तरफ राइट की तरफ, तो ये देखेगी कि इसका बी इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये इस बी को अपोज करने के लिए करंट ऐसे पैदा करेगी कि इस लूप का बी इस तरफ हो जाए, ताकि आपके इंक्रीजिंग बी को क्या कर सके, अपोज। मतलब अगर आपका बी इस तरफ बढ़ रहा है तो ये लूप अपना करंट ऐसे पैदा करेगी कि इसके जनरेट किया हुआ बी इधर आ जाए, क्योंकि इसके जनरेट किए हुए करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट, और उस इंड्यूस करंट के जनरेट किए हुए बी को बोलते हैं इंड्यूस्ड बी। तो इंड्यूस्ड बी आपके इंक्रीजिंग बी को क्या कर सके, कैंसिल कर सके, कम कर सके, इसे बोलते हैं कि आपका इंड्यूस करंट आपके चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, क्योंकि आपके बी बढ़ने से इसका फ्लक्स बढ़ा था, और क्वाइल कहती है ऐसे कैसे बढ़ा दोगे, मैं अपोज करूंगी, कैसे अपोज करूंगी, अपने अंदर करंट ऐसे पैदा करूंगी कि मेरा बी आपके इधर के बी को क्या कर देगा, अपोज करेगा, और अगर क्वाइल इधर बी जनरेट करेगी तो करंट ऐसे जाएगा।
इसमें करंट पैदा करके ऐसा करेगी। लेकिन अगर सपोज करो तुम क्या करते हो, बी इस तरफ इंक्रीज कर देते हो, मान लो अब आपने क्या किया, चलो उधर छोड़ दिया, अब आपने इधर बी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, अब कॉइल को समझ में आ गया तुम इस तरफ बी इंक्रीज कर रहे हो, कॉइल क्या कहती है, अच्छा तुम इधर बी इंक्रीज कर रहे हो, मेरा फ्लक्स इंक्रीज कर दो, मैं होने नहीं दूंगी, मैं अपोज करूंगी, तो कॉइल करंट ऐसे घुमाएगी इसमें कि इसका इंड्यूस्ड बी इधर आ जाए और आपके इंक्रीजिंग बी को वो क्या कर सके, अपोज कर सके। तो अपोजिशन कैसे होगी, जब आपका बी एक्सटर्नल यहां बढ़ रहा है तो कॉइल अपना बी इधर कर लेगी और करंट को ऐसे घुमाएगी ताकि आपके इंक्रीजिंग बी को अपोज कर सके। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जब आप बी इंक्रीज कर रहे हो इस तरफ तो ये अपना बी इधर इंक्रीज कर लेगी और इधर करने के लिए करंट को ऐसे घूमना पड़ेगा। लेकिन अब आपने ये डिसाइड किया कि मैं बी इस तरफ इंक्रीज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डिक्रीज करूंगा। डिक्रीज का मतलब 10 टेस्ला, 8 टेस्ला, 6 टेस्ला, 4 टेस्ला, 2 टेस्ला, ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं बोलना, डिक्रीज बोलना है। तो इस तरफ बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो अगर इस तरफ बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अब कॉइल कहती है अच्छा ठीक है मुझे पता लगा है कि मेरा बी डिक्रीज हो रहा है, अब मैं ये भी होने नहीं दूंगी क्योंकि मेरा काम तो अपोजिशन में है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, रूलिंग पार्टी कहती है यस, अपोजिशन कहती है नो, रूलिंग पार्टी कहती है नो, अपोजिशन कहती है यस, इसी को तो बोलते हैं अपोजिशन। तो यही तो है, ये देखो अब बी की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज। कॉइल कहती है अच्छा डिक्रीज हुई, कैसे डिक्रीज हुई, मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगी, अब मैं करंट को ऐसे मूव करवाऊंगी कि तुम मेरा बी डिक्रीज करोगे, मैं बी डिक्रीज नहीं होने दूंगी, मेरा करंट ऐसे घूमेगा कि अपने डिक्रीजिंग बी को मैं बढ़ा दूंगी। इसे बोलते हैं अपोजिशन। यार तुम कहोगे झीन नहीं दे रही कि मैं इसको बोलता हूँ बी बढ़ाता हूँ, ये अपोज करके कम कर देती है, और जब मैं कहता हूँ चल ठीक तेरी बात मान लेता हूँ मैं बी कम करता हूँ, ये कम भी नहीं करने देती, जब मैं कम करता हूँ तो बी बढ़ा देती है, और जब बी बढ़ाता हूँ ये कम कर देती है, इसलिए तो बोलते हैं अपोजिशन। ये देखो बी डिक्रीज किया तो इसने करंट ऐसे घुमाया कि डिक्रीजिंग बी की तरफ इंड्यूस बी ले गई ताकि कम होते हुए बी को ये बढ़ा सके, और जब तुमने बी इस तरफ डिक्रीज किया, इधर डिक्रीज करना शुरू कर दिया एक्सटर्नल की, चल ठीक है तेरा 10 टेस्ला, 8 टेस्ला, 6 टेस्ला, 4 टेस्ला करती हूँ, तो फिर करंट ऐसे घूमा कि इस कॉइल को पता लग गया अच्छा ठीक है तुम मेरा बी वहाँ कम कर रहे हो, तो मैं अपना बी ऐसे जनरेट कर लूँगी ताकि अपने कम होते हुए बी को मैं बढ़ा सकूँ, ये मेरा करंट होगा। मतलब ये सही है ना, कि अगर तुम इधर बी बढ़ाते हो कॉइल इधर भी कर लेती है, तुम इधर बी बढ़ाते हो कॉइल इधर भी कर लेती है, तुम इधर भी कम करते हो कॉइल इधर भी कर लेती है, तुम इधर भी कम करते हो कॉइल इधर भी कर लेती है, मतलब कम होते हुए बी के तरफ चली जाती है, और अगर बी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके ऑपोजिट चली जाती है। इसे बोलते हैं प्योर ऑपोजिशन है। तो ये ऑपोजिशन है कि जो तुमने यहाँ पे जब बी बढ़ाया कम किया तो तुमने फ्लक्स कम किया, तो कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो कम हो रहा है उसे अपोज करती है, बढ़ाती है, और जब तुम बी यहाँ बढ़ाते हो तो इसका फ्लक्स बढ़ा रहे हो बेसिकली तुम कॉइल का, और जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो फिर ये कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करके उसको कम कर देती है, इसे बोलते हैं ऑपोजिशन। इसलिए साइन क्या लगता है, नेगेटिव। अगर मैं सेम एग्जांपल इसमें लूँ, एक कॉइल ले लो, ये कॉइल है, और तुम बी को छोड़ो, एक्सटर्नल बी छोड़ो, तुम मैग्नेट पास लेके आओ, तुम्हारा नॉर्थ पोल पास आ रहा है, जब नॉर्थ पोल पास आया इसको खबर मिली अच्छा नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तुम ये मैग्नेट मेरा फ्लक्स बढ़ाएगी, आने दो मैं देखता हूँ कैसे बढ़ाएगी, तो ये क्या करेगी, ये अपने अंदर करंट ऐसे घुमाएगी कि यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए। तुम्हें याद होगा हमने सोलेनोइड में किया भी था कि अगर किसी भी फेस में करंट क्लॉकवाइज है तो पोल साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ है, तो जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये कहती है ठीक है आने दो मैं आने नहीं दूंगी, क्योंकि एक मैग्नेट जब इसके पास आएगा इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, ये होने नहीं देगी। तो जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये अपने करंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस तरफ से कौन सा पोल डेवलप कर बैठी, नॉर्थ, ताकि नॉर्थ मेरे मैग्नेट का नॉर्थ को क्या कर सके, अपोज, क्योंकि इसका काम तो अपोजिशन का है। जब तुम मैग्नेट को पास लेके आओगे ये पास नहीं आने देगी, ऐसे करंट डेवलप करेगी कि जो पोल पास आ रहा है वही पोल डेवलप करके इसको भगा देगी। चलो अब तुमने फैसला किया चल ठीक है यार भगा रही है, मैं खुद ही भाग जाता हूँ, मैं नॉर्थ पोल दूर लेके जाता हूँ। अभी कहते अच्छा नॉर्थ पोल दूर लेके जाएगा तो कैसे, ऐसे कैसे मेरा फ्लक्स कम करेगा, अब मैं तेरा फ्लक्स इंक्रीज करके छोड़ूंगी। कैसे, जब तुम नॉर्थ दूर लेके जा रहे हो, अभी कहती है मैं दूर भी नहीं जाने दूंगी, मैं यहाँ पर अब करंट ऐसे घुमाऊंगी क्लॉकवाइज ताकि कौन सा पोल डेवलप हो जाए, साउथ,
ताकि मैग्नेट जो नॉर्थ दूर जा रहा है इसे खींच के अपने फ्लक्स को बढ़ा सके। मतलब जब तुम फ्लक्स बढ़ाते हो मैग्नेट पास लाने पे, तो ये सेम पोल डेवलप करके मैग्नेट को भगाती है, और जब तुम मैग्नेट दूर लेके जाते हो तो ये ऑपोजिट पोल डेवलप करके इसे खींचती है। इसे कहते हैं ऑपोजिशन, तुम्हारी इच्छा के विपरीत। तुम चाहते हो मैग्नेट पास आए, कहते पास कैसे आ, पास दूर भाग जा। जब तुम कहते हो दूर लेके जा रहा हूँ, ये कहते दूर कैसे, अब पास आ। तो इसे बोलते हैं ऑपोजिशन। समझ में आ रहा है लेंस लॉ कैसे काम करता है? ये है लेंस लॉ। तो आप चेक कर सकते हो, जब नॉर्थ पास आ रहा है तो ये फेस नॉर्थ है, भगा रही है इसे, और जब नॉर्थ दूर जा रहा है तो फटाफट करंट को चेंज करके इसने क्या डेवलप कर लिया, साउथ, करंट को क्लॉकवाइज घुमा के, ताकि इसे खींच सके, दूर ना जा सके।